हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप घर बैठे SBI में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके पास बस दो चीज़ होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना अकाउंट SBI में खुलवा सकते हैं। इसमें आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगी, यहाँ पे सारा फैसिलिटी मिलेगी जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कि मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस वाइज सारा कुछ बताऊँगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले खोलने के बाद आपको प्ले स्टोर सर्च करना है। प्ले स्टोर में सर्च करना है YONO SBI। YONO SBI जैसे सर्च करिएगा, उसके बाद आपको एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ये वाला। इसके ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना। जैसे ओपन पे क्लिक करिए, देखिए यू ओनली नीड वन, इस टाइप का आपका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू टू SBI एक्सिस्टिंग कस्टमर आई है एक्टिव, यहाँ पर न्यू टू SBI पे क्लिक करना है। ये तीन चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, यह सारा जो स्क्रॉल करके न्यू टू SBI पे क्लिक करिएगा। ओपन सेविंग अकाउंट पे क्लिक करिएगा। ओपन सेविंग अकाउंट पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक डिजिटल सेविंग अकाउंट आएगा, एक इंस्टा सेविंग अकाउंट आएगा। डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको फुल KYC करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी ब्रांच जाकर फुल KYC करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल डिजिटल सेविंग अकाउंट का फुल KYC अभी ब्रांच में बंद है, तो हम लोग इंस्टा सेविंग अकाउंट पे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सारा कुछ देखिए कि आपका मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कितना आप बैलेंस रख सकते हैं, यहाँ पर कितना ट्रांजेक्शन लिमिट कर सकते हैं। 2 लाख का आप यहाँ पर एक साल में यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1 लाख का यहाँ पर आप बैलेंस इसमें रख सकते हैं इंस्टा सेविंग अकाउंट में। डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको ब्रांच जाके फुल KYC करवाना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अभी ब्रांच में डिजिटल सेविंग अकाउंट अभी बंद है, यहाँ पे फुल KYC नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इंस्टा सेविंग अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे इंस्टा सेविंग क्लिक करूँगा, अप्लाई न्यू पे क्लिक करना है। अगर आप पहले से किए तो वहाँ पर रिज्यूम करें तो अप्लाई न्यू पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, OTP बेस्ड KYC है यहाँ पे, जस्ट कीप योर आधार एंड पैन कार्ड हैंडी। अब यहाँ पे आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों पास में रखना है। यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है, नो ब्रांच विजिट रिक्वायरमेंट है, आपको ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग होगा यहाँ पे, बस आपके पास मोबाइल OTP जाएगा जो आप यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, आई डिक्लेयर डैट नो अदर अकाउंट आई हैव बीन ओपन फॉर इतना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे डिटेल से स्कैन आधार कार्ड QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं, या एंटर आधार नंबर से भी कर सकते हैं, या वर्चुअल ID, ये तीनों में से किसी भी चीज़ से आप ओपन कर सकते हैं आपके सहूलियत के अनुसार, जो आपको ठीक लगे उससे आप यहाँ पे अपना अकाउंट से। मैं यहाँ पे आधार नंबर से डाल के मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो जैसे सबमिट करूँगा एक OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर हो उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पे OTP फिल करिएगा, ऑटो फिल कोड है तो यहाँ पर OTP जैसे फिल करिएगा, OTP फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये आगे का प्रोसेस आपके पास खुल के सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए अब आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, जो आधार कार्ड में जो पर्सनल डिटेल था वो सारा कुछ यहाँ पे खुद यहाँ पे आपको ले लेगा। आपको कुछ चेंज करना, बस यहाँ पे नेक्स्ट करना। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल आपको भर लेना है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया, मैं शॉर्टकट में बता रहा जल्दी यहाँ पे भर लिए, वहाँ पे सारे डिटेल वहाँ भर लिए। अब यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे देख लीजिए, आपका एड्रेस है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट के लिए, विलेज टाउन सेलेक्ट के लिए, सारा कुछ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सारा कुछ सेलेक्ट कर लेना है, अपने अनुसार देख लेना परसेंटेज क्या क्या, मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, फिर आपको यहाँ पर एंटर यहाँ पर पैन कार्ड अपना नंबर डाल देना, जो पैन कार्ड है आपके पास वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस कुछ इस तरह से खुल के सामने आएगा। देखिए अब यहाँ पे आधार में जो फ़ोटो डाला गया वो आधार में फ़ोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो आधार कार्ड में फ़ोटो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे पर्सनल आपको यहाँ पे सारा कुछ भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना है, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर,
वो आपको भर देना, आपका मैरिट स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे आपको वो अब फिल कर देना है अनमैरिड है। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे भर लेना है, जैसे मदर्स नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एनुअल इनकम आपका कितना है, 0 से 20,000 के अंदर में है, 20,000 से 50,000, 50,000 से 1,00,000, तो अपने अनुसार जो आपका इनकम है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। तो मेरा 0 से 20,000, तो मैं यहाँ पे 0 से 20,000 पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब एडिशनल डिटेल्स है ऑक्यूपेशन, आपका क्या ऑक्यूपेशन, आप सर्विस में हैं या बिजनेस करते हैं, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर नॉट कैटेगरी तो वहाँ पर आप कर लीजिए। अब एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर भरना है ऑक्यूपेशन अदर, आपका ऑक्यूपेशन अदर क्या, सेम एम्प्लॉयड हाउस वाइफ है, तो यहाँ भी आप फिल करना है। एडिशनल डिटेल्स आपका यहाँ पे रिलीजन में है, आपका कौन कास्ट है, हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अदर है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल बना, अगर आधार कार्ड से आप नॉमिनी कर सकते हो तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे एंटर नॉमिनी डिटेल सेपरेटली भी यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आधार कार्ड का स्कैन करिएगा, वो सारा कुछ वहाँ से अपने आप ऑटोमेट फिल हो जाता है। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल कर लेना, रिलेशनशिप क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा कुछ यहाँ भर कर लें। आपको यहाँ पे ब्रांच भी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बाय लोकेलिटी आपके लोकल में कौन सा ब्रांच है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर लिया, आगे का यहाँ पे प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे लोकेलिटी ब्रांच आपके जो भी यहाँ पे आप सर्च करिए तो सारे आपके लोकल में जो ब्रांच है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे आई हैव रीड द एग्रीमेंट एंड टर्म कंडीशन, अब इसको यहाँ पे सारा कुछ आप नीचे स्क्रॉल कर लेना है, नहीं पकड़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे जो बॉक्स है उस पर टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, देखिए OTP हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर पे आपका जो रजिस्टर था आधार कार्ड से जिस पे OTP जाता था, वो OTP यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा कि आपने अकाउंट खोल लिया है। तो जैसे OTP गया आपके मोबाइल पर और यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दिए, जैसे नेक्स्ट कर दिए, अब देखिए जैसे नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड पर आपको नाम क्या डालना है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या नाम आपके डेबिट कार्ड पर रहेगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे फिल करिएगा तो कुछ आगे का इस तरह का प्रोसेस खुल के आएगा। आप देखिए यू विल बी गेट पर्सनल डेबिट कार्ड डिलीवर एट योर कॉन्वीनियंस विद इन 50 डेज ऑफ अकाउंट बीइंग ओपन। अकाउंट ओपन होने के बाद 15 दिन के अंदर में या 1 महीना भी लग सकता है, मैक्सिमम 1 महीना मान के चलिए आपके घर पर डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में। अब देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर या CIF नंबर या ब्रांच को दिया, आपको इसको स्क्रीन शॉट खींच के ले लेना है फ्यूचर के लिए, अकाउंट नंबर या CIF नंबर के लिए बाद में आपको कभी भी काम देगा। आप देखिए यहाँ पे अल्ट होम पेज है, डू यू हैव इंटरनेट बैंकिंग आईडी, यस, यहाँ पे सारा कुछ देगा। आप इंटरनेट बैंकिंग मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे डन कर दे, फुल KYC आप कभी भी ब्रांच जाके 1 साल के अंदर में अपना फुल KYC करवा सकते हैं, जिससे आपका रेगुलर मतलब अकाउंट आपका खुल जाएगा। अब स्क्रीन शॉट यहाँ पर मैं ले लिया, अब देखिए ये स्क्रीन शॉट ले लिया, अब यहाँ पर देखिए सारा कुछ है फुल KYC। अब फिर योनो SBI का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ न्यू टू SBI एक्सचेंज कस्टमर, तो यहाँ पे मैं डालूँगा एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो एक आपके मोबाइल पे एक मैसेज किया होगा, यूज़र नेम का अब पासवर्ड जो आपने शुरू में बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था अकाउंट ओपन करने वक्त जो आपसे मांगा था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना था। यहाँ पर लिख लीजिएगा डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID, तो यहाँ पर आप कर लेना येस। अब आपको यहाँ जो यूज़र नेम अभी जो दिया था वो यूज़र नेम आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेना है। ये पासवर्ड फिल करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप SBI में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से SBI इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आगे की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो इस तरह से आप घर बैठे SBI में 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों में शेयर किया। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।